हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित एंड आई वेलकम्स यू टू अवर जनरल फिजिक्स सर का इंस्टीट्यूट। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो BERC OCES DGFS 2023 जो अभी वैकेंसी चल रही है, ठीक है, जिसके फार्म आउट हो चुके हैं और जिसके फार्म की लास्ट डेट आई थिंक 5th ऑफ मार्च है और जिसका एग्जाम तुम्हारा 2 और 3 अप्रैल को होने वाला था, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो उसका इंटरव्यू है उसके लिए आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए दो तरीके हैं, गैट और तुम्हारा रिटर्न एग्जाम, उन दोनों की अपनी बात करेंगे। और मैंने जब बार का एग्जाम दिया था तो उसके अंदर मेरे मेरा क्या एक्सपीरियंस था, ठीक है, मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, और अगर तुम्हारा गैट एग्जाम अच्छा गया है तो तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए बार के लिए, BERC के लिए, और अगर गैट एग्जाम तुम्हारा बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो भी क्या चांसेस है कि तुम BERC का इंटरव्यू दे पाओ, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, BERC के अंदर इंटरव्यू के लिए आप दो तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। पहला आपका तरीका होता है गेट एग्जाम, ठीक है। गेट एग्जाम कौन सा वाला, 2023 वाला भी और 2022 वाला भी। और एक तरीका होता है BERC का रिटर्न एग्जाम, ठीक है, BERC रिटर्न एग्जाम। अब मैं बात करूं गेट एग्जाम, गेट एग्जाम के अंदर अगर आपकी ऑल इंडिया है अंडर 75 है, ठीक है, ये किस बेसिस पे कहा जा रहा है कि लास्ट 2 ईयर का अगर मैं डाटा देखूं तो उसके अंदर जिनकी रैंक 75 से नीचे नीचे थी उन सबको बिना ही BERC रिटर्न एग्जाम दिए इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई थी, ठीक है। बट अगर आपकी AIR है, ठीक है, ग्रेटर देन 70 है या ग्रेटर देन 75 है, ठीक है, तो आपको बिना कोई रिस्क लिए, ठीक है, आपको रिटर्न के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन देना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपकी AIR ऑल इंडिया रैंक लेस देन 70 है तो कोई दिक्कत नहीं, आप श्योर हो सकते हो कि आपको BERC का इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। बट अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक ग्रेटर देन 70 और 75 है तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा BERC रिटर्न एग्जाम के लिए। और जिन बच्चों का गैट एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, जिन्हें लगता है कि 70 और 75 तक रैंक नहीं आ जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप BERC रिटर्न एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। इसका जो लेवल है बहुत हाई नहीं रहता है, और मान सकते हो गैट का एग्जाम या फिर गैट से लो लेवल ही इसके अंदर रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जिनका रिटर्न क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गैट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो BERC रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए। मैंने जब BERC रिटर्न एग्जाम दिया था, ठीक है, तो मेरा स्कोर रहा था 200 आउट ऑफ 300, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो उस टाइम कट ऑफ थी 155, BERC की कट ऑफ 155 रही थी लास्ट ईयर, ठीक है, 2022 में, उससे पिछली वाली साल 115 रही थी और फिर उससे पीछे वाली साल रही थी 150, ठीक है। तो तुम मान सकते हो अगर पेपर रहता तुम्हारा इजी तो कट ऑफ जाती है 155, और अगर पेपर रहता है मॉडरेट तो ये जाता है 115। अगर बात करें कितने कैंडिडेट को बार BERC शॉर्टलिस्ट करता है इंटरव्यू के लिए, तो BERC ने लास्ट टाइम शॉर्टलिस्ट किए थे कैंडिडेट 225, ठीक है, 225 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए थे इंटरव्यू के लिए। और मैं बात करूं इससे पीछे वाली साल की बात करूं तो उसके अंदर 293 कैंडिडेट क्या किए थे BERC ने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए थे। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक गैट में बहुत अच्छा नहीं है तो रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन तुम्हें कैसे करनी है, देखो इसके लिए तुम्हें क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए और मैंने क्या फॉलो किए थे, ठीक है, उसकी मैं बात करूं तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अभी तुमने जस्ट ही क्या पढ़ा है गैट के लिए प्रिपरेशन की है, तुमने सारे नोट्स असाइनमेंट फॉर्मूले से रिवाइज कर रखे हैं, ठीक है। तो नोटबुक्स के अंदर भी थोड़ा बहुत अगर तुम्हारा बाकी है पढ़ना तो पहले उसको कवर करें, उसके बाद अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट है एक क्रैश कोर्स की तो अपने ही यूट्यूब चैनल पे गेट क्रैश कोर्स की वीडियोज अवेलेबल है, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए जो आपकी फॉर्मूला नोट्स है, फॉर्मूला नोटबुक आपने बना रखी होगी या कह दो शॉर्ट नोट्स जो है आपके, ठीक है, उनको आप रिवाइज करें। उसके बाद गैट के PYQ दोबारा देख लें, गैट के PYQ दोबारा देखी प्लस नेट के जो इजी वाले PYQ, कौन से वाले इजी वाले, उसके बाद आप क्या कर सकते हो एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ठीक है, एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। और उस टेस्ट सीरीज में भी कौन से वाले टेस्ट, फुल लेंथ वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपनी भी BERC की जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, और तुम्हें अगर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या नहीं भी करनी है तो भी तुम क्या करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हें लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहां तुम्हें BERC के लिए कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, वहां दोनों फैकल्टीज ऐड है, मुकेश सर भी और मैं भी, तुम्हें किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है रिटर्न एग्जाम के लिए इंटरव्यू एग्जाम के लिए तो आप वहां से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज को इस तरीके से बनाने का ट्राई किया गया है, ठीक है, मेरे को भी काफी एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, मुकेश सर को भी काफी एग्जाम का एक्सपीरियंस है, दोनों ने मिलकर ही टेस्ट सीरीज को बनाया और इस तरीके से बनाया है
ये तुम्हें काफी हेल्पफुल साबित हो, ठीक है। बीआरसी जैसे कि तुम्हारे पीवाई को रिलीज नहीं करता, ठीक है, तो बीआरसी के क्वेश्चन देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एग्जाम आप जाके ही दो, ठीक है, और तुम्हें क्वेश्चन के बारे में चीजों के बारे में वो बेटर बता पाएंगे जिन्होंने वो एग्जाम खुद दिया हो और क्वालिफाई किया हो, ठीक है। तो उस नॉलेज को भी, उस एक्सपीरियंस को भी इस टेस्ट सीरीज में हमने डालने की ट्राई की है। और टेस्ट सीरीज के पोर्शन के अंदर पहला वीडियो तुम्हारा यही अपलोड हो रहा है कि तुम्हें वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कैसे करनी है, ठीक है, क्या बेस्ट वे होगा कि तुम उस टेस्ट सीरीज से मैक्स टू मैक्स क्या करो, बेनिफिट ले पाओ, ठीक है। इतनी ही चीज मैंने फॉलो की थी, मैंने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए थे, बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाया था बिजी शेड्यूल की वजह से उस टाइम, तो मैंने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए थे और गैट के पीवाईक्यू देखे थे, एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगाई थी, ठीक है, और बीआरसी एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 75 और 70 से नीचे नहीं है गैट एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है, तुम आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। और मैंने मेरा भी जो सिलेक्शन हुआ था बीआरसी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट में हुआ था, तो मेरा भी सिलेक्शन गैट बेसिस पे नहीं था, गैट के अंदर इतनी बढ़िया रैंक नहीं थी मेरी, 70-75 इतनी रैंक नहीं थी, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था गैट 12 इंटरव्यू के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एग्जाम, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने जाना एक आसान है, एक आसान स्टेप है, बट गैट में 70-75 लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, जैसा कि एग्जाम्स का आजकल लेवल आ रहा है, ठीक है। मैंने दो अटेम्प्ट दिए मैंने, उनके अंदर दोनों बार मेरा बीआरसी एग्जाम निकला है, बीआरसी रिटर्न एग्जाम निकला है, ठीक है, और उसके दोनों के अंदर मैंने ये सेम स्ट्रेटजी फॉलो की है, गैट की पीवाई को देखे थे और शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, बस यही मैंने। और बात करें अगर आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक की मैं बात करूं, अगर ये लेस देन 75 है, 70 है, ठीक है, तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू के लिए किसी तरीके की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है कि सर हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, अभी अप्रोक्सीमेट तुम्हारे पास 3 मंथ्स है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, तो अभी से तुम स्टार्ट कर सकते हो अगर तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक काफी अच्छी है। उससे क्या होगा कि ये बाद की बात होती है कि इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पर तुम्हें वहां से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और तुम एक बार अच्छे से लाइफ के अंदर बीआरसी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लोगे तो तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं होगी बाकी किसी इंटरव्यू के लिए सेपरेट पढ़ने की। एक बार प्रिपरेशन करने के बाद जो नोट डाउन तुम पॉइंट करोगे, जो कंक्लूजन तुम बुक्स पढ़ पढ़ के निकालोगे, उनको रिवाइज कर लेना किसी भी इंटरव्यू से पहले, वो तुम्हारा मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये तुम्हारा जो वीडियो था स्पेशल था 12 रिटर्न एग्जाम के लिए, क्या पॉइंट रखने वाली बातें हैं, एक तो गैट क्रैश कोर्स फॉलो कर ले, ठीक है, उसके बाद बात करें तो अपनी जो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं उनको फॉलो करें, और गैट के तुम्हारे पीवाईक्यू देख ले, ठीक है, उनसे लो लेवल ही आता है, उनसे हाई लेवल नहीं जाता है, तुम्हें भी बताना कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर तुम्हारी 120 मिनट्स है, ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 1 मार्क फॉर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो इतना टाइम के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, वो क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना भी है, उसकी कैलकुलेशन भी करनी है, ठीक है, उसका आंसर भी टिक करना है। तो बीआरसी रिटर्न में क्या जाता है, रिटर्न में जाता है कि तुम देखता है कि तुम कॉन्फिडेंट कितने हो, जो तुम्हें कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको तुम फटाफट अप्लाई करके ऑप्शन क्लिक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, उस पर सोच रहे हो ये होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, तो तुम इन 100 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो स्पीड कितनी ज्यादा है तुम्हारी, बीआरसी ये चीज देखता है, तुम अपने कॉन्सेप्ट को लेके कितना कॉन्फिडेंट हो, उसको लगाओ ऑप्शन में, जो भी 4 ऑप्शन दिख रहे हैं उस क्वेश्चन को आधा सोल्व करके भी तुम्हें आइडिया आ जाए कि ये वाला ऑप्शन होगा, तो उसको टिक करो और आगे बढ़ो। ये स्ट्रेटजी तुम्हारी होनी चाहिए बीआरसी रिटर्न एग्जाम के लिए। बाकी तुम्हें बीआरसी के लिए किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट हो, किसी भी तरीके की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तुम कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां तुम्हें किसी भी तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी बीआरसी रिलेटेड हम वहाँ अपडेट करते रहेंगे, ठीक है, और तुम्हें किसी तरीके की गाइडेंस और बात करने की जरूरत हो तुम हमें वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक बाय।